हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव बिश्नोई और आप देख रहे हैं टेक्नो बिश्नोई जी, यानी टेक्निकल ज्ञान का भंडार। दोस्तों काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही थी, दोस्तों घर में कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं ला पाया दोस्तों। उसके लिए आपसे सॉरी कहूँगा, आपसे क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। आगे से वीडियो आपको टाइम पर मिलेगी। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ अपकमिंग मोबाइल फ़ोन्स जो कि दोस्तों मार्च 2020 में लॉन्च होने वाले हैं दोस्तों। उन मोबाइलों की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही कमाल के होने वाले हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लेना। तो बिना देरी किए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में पहला मोबाइल होने वाला है ओप्पो की तरफ से होने आने वाला ओप्पो रेनो 3 प्रो। जिसकी बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले। कैमरे की बात की जाए तो 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, 44 मेगापिक्सल का डुअल फ्रंट कैमरा। और साथ ही बात की जाए बैटरी की तो 4025 mAh की यहाँ पर हमें बैटरी देखने को मिल जाती है। साथ ही बात की जाए इसके प्रोसेसर की तो मीडियाटेक हीलियो P95 का हमें यहाँ पर प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। बात की जाए और दोस्तों बात की जाए इसकी लॉन्चिंग डेट की तो 2 मार्च को ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। और प्राइस की बात की जाए तो 29,990 रुपये का यहाँ पर हमें इसका प्राइस देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। बात की जाए अगले मोबाइल की तो वो मोबाइल है सैमसंग गैलेक्सी M30 जो कि दोस्तों 5 मार्च यानी आज लॉन्च होने वाला है। दोस्तों बात की जाए इसके डिस्प्ले की तो 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाती है। और साथ ही बात की जाए कैमरे की तो 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। और साथ ही बात की जाए बैटरी की 6000 mAh की बैटरी और साथ ही सैमसंग एक्सिनोस 9 ऑक्टा का यहाँ पर हमें प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। जिसकी बात की जाए प्राइस की तो 14,999 के समथिंग इसका प्राइस होने वाला है दोस्तों। मोबाइल बेहतरीन होने वाला है जो कि 5 मार्च को यहाँ पर लॉन्च होने वाला है दोस्तों। बात की जाए अगले मोबाइल की तो अगला मोबाइल है रियलमी की तरफ से आने वाला Realme 6। बात की जाए इसके डिस्प्ले की तो 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। और साथ ही बात की जाए कैमरे की तो 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, साथ ही 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए हमें यहाँ पर मिल जाता है। और बात की जाए बैटरी की तो 4200 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। और साथ ही मीडियाटेक हीलियो G90 हमें यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले होने वाली है वो पंच होल डिस्प्ले होने वाली है दोस्तों। बात की जाए इसकी लॉन्चिंग डेट की तो ये भी 5 मार्च को ही हमें देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर बात की जाए इसके प्राइस की तो 10,999 के समथिंग इसका प्राइस यहाँ पर होने वाला है दोस्तों। बात की जाए अगले मोबाइल की तो वो भी रियलमी की तरफ से आने वाला है Realme 6 Pro। दोस्तों बात की जाए इसके डिस्प्ले की तो 6.4 इंच की IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगी। और साथ ही बात की जाए कैमरे की तो कैमरा होने वाला है इसका 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा और साथ ही 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। बैटरी होने वाली है दोस्तों 5000 की mAh की बड़ी बैटरी। और साथ ही बात की जाए इसकी परफॉर्मेंस की तो स्नैपड्रैगन 720G का यहाँ पर हमें प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, जो कि 15,999 रुपये के समथिंग होने वाला है दोस्तों। ये भी आपको 5 मार्च को ही लॉन्च होने के लिए मिलेगा दोस्तों। बात की जाए अगले मोबाइल की तो Xiaomi की तरफ से आने वाला Poco F2 मोबाइल अगला होने वाला है दोस्तों। बात की जाए इसके डिस्प्ले की तो 6.3 इंच की डिस्प्ले IPS LCD डिस्प्ले है। और बात की जाए कैमरे की तो 16 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा और 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलेगा। साथ ही 4100 mAh की बैटरी मिलेगी और स्नैपड्रैगन 855 का यहाँ पर हमें प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। बात की जाए अगले मोबाइल की तो इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला इन्फिनिक्स S5 Pro होने वाला है दोस्तों। बात की जाए इसकी डिस्प्ले की तो 6.53 इंच का IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। बात की जाए इसके कैमरे की तो कैमरा होने वाला है इसका 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। इसकी बैटरी होने वाली है 4000 mAh की। और बात की जाए इसके प्रोसेसर की तो मीडियाटेक हीलियो P22 का प्रोसेसर हमें देखने के लिए मिलेगा और ये हमें 9,999 रुपये के समथिंग हमें देखने के लिए मिलेगा, जो कि 6 मार्च को यहाँ पर लॉन्च होने वाला है दोस्तों। बात की जाए अगले मोबाइल की तो ये है ओप्पो की तरफ से आने वाला ओप्पो फाइंड X2 दोस्तों। इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.7 इंच की एमोलेड बड़ी एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। साथ ही बात की जाए कैमरे की तो 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा देखने के लिए मिलेगा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलेगा।
दोस्तों बात की जाए इसकी बैटरी की तो 4200 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी और स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों 6 मार्च को यहाँ पर लॉन्च होने वाला है। और इसकी बात की जाए प्राइस की तो 72,990 की समथिंग इसका प्राइस होने वाला है। दोस्तों बात की जाए अगले मोबाइल की तो ये है वीवो की तरफ से आने वाला वीवो V19। और बात की जाए इसके डिस्प्ले की तो 6.5 इंच की इसकी डिस्प्ले होने वाली है, जो कि एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है। और कैमरा इसका 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। साथ ही बात की जाए बैटरी की तो 4200 mAh की बैटरी यहाँ पर देखने को मिलेगी और स्नैपड्रैगन 730G का हमें यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिसका प्राइस होने वाला है 28,990 की समथिंग और ये 10 मार्च को लॉन्च होने वाला है। दोस्तों बात की जाए अगले मोबाइल की तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा Xiaomi की तरफ से आने वाला Redmi 9 और इसकी डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.22 इंच की यहाँ पर हमें IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 13 मेगापिक्सल की डुअल रियर कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। बैटरी की बात की जाए तो बैटरी यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और MediaTek Helio G70 का हमें यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिलेगा। दोस्तों 9999 की समथिंग हमें ये देखने के लिए मिलेगा और ये 12 मार्च को लॉन्च होने वाला है। दोस्तों बात की जाए अगले मोबाइल की तो यहाँ पर हमें Redmi की तरफ से आने वाला Redmi Note 9 हमें देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों 6.4 इंच की IPS LCD डिस्प्ले के साथ आने वाला है और 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए हमें यहाँ पर मिलेगा। साथ ही हमें 4100 mAh की बैटरी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है और स्नैपड्रैगन का 675 हमें इसका प्रोसेसर देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। दोस्तों बात की जाए अगले मोबाइल की तो वो भी Xiaomi की तरफ से आने वाला Redmi Note 9 Pro होने वाला है और दोस्तों बात की जाए इसके डिस्प्ले की तो 6.53 IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी और साथ ही हमें कैमरा 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा प्लस 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही बात की जाए बैटरी की तो 4500 mAh की बड़ी बैटरी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगी और साथ ही स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर हमें यहाँ देखने मिलेगा। दोस्तों बात की जाए अगले मॉडल की तो अगला मॉडल भी यहाँ पर Xiaomi की तरफ से आने वाला Redmi K30 Pro होने वाला है। दोस्तों बात की जाए इसके डिस्प्ले की तो 6.6 इंच की एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलेगी और साथ ही कैमरा 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा और 24 मेगापिक्सल का डुअल फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। और दोस्तों बात की जाए बैटरी की तो 4700 mAh की बड़ी बैटरी यहाँ पर देखने को मिलेगी और साथ ही स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 31,990 की समथिंग होने वाला है और दोस्तों ये 27 मार्च को लॉन्च होने वाला है। दोस्तों अगला मोबाइल हमारे पास है एप्पल लवर्स के लिए एप्पल आईफोन SE 2, जो कि दोस्तों 4.7 इंच की OLED डिस्प्ले के साथ छोटी डिस्प्ले के साथ हमें देखने के लिए मिलेगा। साथ ही बात की जाए इसके कैमरे की तो 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, जो कि डुअल कलर LED फ्लैश के साथ मिलेगा और 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। 1960 mAh की इसकी बैटरी देखने के लिए मिलेगी और इसमें जो प्रोसेसर होगा एप्पल की तरफ से आने वाला एप्पल A13 बायोनिक इसका प्रोसेसर होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।